सर्वेभ्यः नमो नमः। आज कक्षा आठवीं यानी स्टैंडर्ड एट का हम फोर्थ लेसन चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। चलिए फिर देखते हैं क्या दिया है इस कविता के अंदर। लेट अस सी, दिस इज द होल पोयम दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। चल चल पुरतो निधेहि चरणम्। चल चल, चल चल मतलब चलना, चल चल तो चलने को कह रहे हैं हम लोग। चल चल पुरतो, चल चल मतलब चलो, पुरतो आगे आगे चलो, निधेहि आगे चल के रखो। क्या रखना है, क्या रखने के लिए बोल रहे हैं? चरणम, चरणम हमारे पैर, हमारे पैरों को रखने के लिए बोल रहे हैं। तो चल चल पुरतो निधेहि चरणम का मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ते रहो, आगे अपने कदम बढ़ाते चलो। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो आगे क्या दिया है दूसरी लाइन में? सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। सदैव पुरतो, सदैव हमेशा, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो, हमेशा। ये उन्होंने एक संदेश दिया। आगे की लाइन में देखिए, गिरी शिखरे मतलब बहुत बड़े, जो बहुत ही बड़े बड़े पर्वत है उनके शिखर के ऊपर। ननु निज निकेतनम्, कह रहे हैं कि आपका वहां पर एक घर है जैसे क्या, और आपको वहां पे जाना है। विनैव यानम यानी किसी भी, यानम यानम किसी भी प्रकार की कोई भी वाहन वहां तक नहीं ले जाना। विनैव यानम नगारोहणम, बिना किसी वाहन के आपको ऊपर चढ़ना है, उस पर्वत के पास पढ़ना पड़ता है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और आपका एक ही साधन है बलम, जो आपके खुद के पास है। स्वकीयम भवति, भवति खुद के पास है उपलब्ध, इसके जरिए ही आपको खुद का घर, जहां पर आपने बनाया हुआ है, आपका घर है, वहां तक आपको पहुंचना है। इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, और आपको इस कठिन परिस्थितियों का सामना आपके खुद के अंदर की क्षमता के साथ, आपके अंदर के आत्मबलम के साथ, आत्मबलम खुद के बल के साथ करना है। दूसरा देखते हैं हम, फिर क्या दिया है? पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। पथि, पथि यानी पथ पर, जिस पथ पर आप जा रहे हो उस पथ पर पाषाण है। पाषाण यानी पत्थर, पत्थर भी कैसा है? विषमा है, प्रखरा है। विषमा है यानी कैसा है पत्थर? पति, पहले तो पति का मतलब समझिए कि पति मतलब पद के ऊपर है। पाषाणा, पाषाणाह मतलब बहुत सारे पत्थर। विषमाह, प्रखराह, ये आगे के एडजेक्टिव्स है, उसको बता रहे कि पाषाण कैसे प्रकार। तो विषमा है, प्रखरा है यानी वो एकदम तीक्ष्ण प्रकार के है, असामान्य है। विषमाह यानी असामान्य है, प्रखरा है मतलब तीक्ष्ण है, मतलब बहुत ही, अब इंग्लिश में बताया अंग्रेजी में तो बहुत ही डेंजरस प्रकार के है, बहुत ही बड़े है आकार में, इस प्रकार। हिंस्राह पशव, हिंस्राह पशव बहुत सारे ऐसे पशु है, ऐसे जानवर है जो जंगल में होते हैं, बहुत ही हिंसक प्रकार के, वो आपके सामने, उनकी भी चुनौतियां है आपके सामने। परितो घोरा, परितो मतलब चारों और चारों दिशा में वो है, और घोरा मतलब
बहुत ही हिंसक है, बहुत ही डरावने है, बहुत ही खूंखार। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्। तो इन सब का सामना करके ही आपको आगे बढ़ते रहना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहि ही भीतिम, अभी तीसरा देखिए, जहि ही भीतिम। जहि ही मतलब छोड़ देना है इस चीज को, भीति मतलब डर, अपने डर को छोड़ देना। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम। भज यानी भजन करना है, यानी पूजा करना है, प्रार्थना करनी है किसकी? शक्तिम। शक्तिम का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमको हो सकता है कभी कोई ये कहना है कि हमें हमेशा जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है, उनको गाना है, या जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान को हमें स्मरण करना है। विदेही राष्ट्रे तथानुरक्तिम, विदेही राष्ट्रे तथानुरक्तिम। मतलब हमें हमेशा हमारे राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के ऊपर हमें प्रेम करना है, प्यार करना है, ठीक है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण। कुरु कुरु करते करते, जो भी कवि ने अभी तक कहा है वो करते करते हमें हमेशा अपना ध्येय जो है का स्मरण करना है, उसको छोड़ दीजिए, स्मरण करना है अपने ध्येय को, उस ध्येय को हमें साध्य भी करना है। ये बताते हुए उन्होंने फिर कहा है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनम्, विनैव यानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनं, तदैव पुरतो निधेहि चरणम्। इस प्रकार से आप इस कविता को एक संगीतमय प्रकार से आप उसको एक अच्छे से उसको आप बना सकते हो, उसको गा सकते हो, उस पे आप मोटिवेट खुद को कर सकते हो। इस प्रकार से मैं आपको अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ, और इस प्रकार से इस पोएम को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मुझे यकीन है कि, और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्मॉल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। आपको इसको बार बार रीड करना पड़ेगा, हर एक शब्द को आपको उसकी मीनिंग बार बार देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद है, पुनर्मिलामः।